नमस्कार, सीएमएन पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कनिका। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के पीलीभीत की, जहां यूनाइटेड पार्टी के तत्वाधान में हिसाब दो अभियान के तहत एक रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट परिसर में एडीएम के माध्यम से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया गया। एक्चुअली हमारा सबका दो हिसाब दो अभियान के अंतर्गत हमारा कार्यक्रम पिछले एक महीने से चल रहा है और सभी जिले में लगभग चल रहा है। बीशनपुर हम कार्यक्रम कर चुके हैं। आज पीलीभीत शहर में हमारा रामलीला ग्राउंड से चलकर यहाँ तक पहुँचना था। तो कुछ हम किसानों की मांगों को लेकर, जैसे आज तक पीलीभीत में किसान बहुत परेशान है, उसके गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। साथ ही साथ किसान गन्ना बोता है उनकी पर्चियों में बहुत हेराफेरी हो रही है। तमाम थानों में, कोर्ट में, कचहरी में तमाम तरह की धांधलेबाजी है। मैं सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप पिछले 35 सालों से लेकर शासन पीलीभीत की जनता पर कर रही हैं, पीलीभीत की जनता को न्याय क्यों नहीं मिला? आखिर यहाँ के लोग त्रस्त क्यों हैं? लोग परेशान हैं, उनकी मांगों को लेकर कहाँ जाएंगे? गन्ने की पर्ची को और शिकायत को लेकर जाते हैं तो कहते हैं गन्ना बोना बंद कर दो। तो आखिर किसान क्या लोहा बोएगा, कंकड़ पत्थर बोएगा? मूल रूप से पीलीभीत में तराई का क्षेत्र है, गन्ने का उत्पादन अच्छा होता है, कौन नहीं चाहता 10 पैसे का फायदा हो? तो हमारा किसान भी चाहता है कुछ फायदा हो, इसलिए गन्ना बोता है। वो मना करती है गन्ना मत बोइए। इसके अलावा भी बहुत सारी बेरोजगारी को लेकर समस्या है, बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जो यहाँ के लोगों पर लागू नहीं हुई। आप कैबिनेट की मंत्री भी रहती हैं, आप तमाम सालों से सांसद भी हैं, आप जो जनता आपको राजा बना के भेजती है यहाँ से दिल्ली तक, तो आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? इसलिए हमारी उनसे गुजारिश है, जनता की ओर ध्यान दें, पीलीभीत की ओर ध्यान दें, अन्यथा कि यहाँ की जनता जो उनको